हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध ग्लो में। थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी आपको एक शॉर्ट में हल्का सा बताते हैं कि आज हमारा वीडियो जो है वो किन किन टॉपिक पे होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के प्रकार कितने होते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, किसी भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं और किसी भी ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री कैसे किया जाता है। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऐसो हो रहा है व्हाट इज़ अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो बताया गया है अकाउंट इज़ अ वर्ड ऑफ बिजनेस। यह व्यापार में प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिससे उस व्यापार में होने वाले सभी लेन देन, जिसे हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं, का डिटेल प्राप्त होता है। यदि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस में उससे संबंधित होने वाले सभी लेन देन, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं, अगर हम टेलीफोन बिल भर रहे हैं, किसी पार्टी से हम लोग परचेज करते हैं, किसी पार्टी को हम लोग सेल करते हैं, या कहीं से हमारा पैसा आ रहा हो या कहीं हमारा पैसा जा रहा हो, तो उन सभी का एक शब्द लिखा जाएगा और वो शब्द ही अकाउंट कहलाएगा। इसलिए कहा गया है कि अकाउंट इज़ द वर्ड ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस में प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिससे हमें उस बिजनेस में होने वाले सभी लेन देन का डिटेल प्राप्त होता है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं या अकाउंट के प्रकार? तो बिजनेस में प्रयोग होने वाले अकाउंट को तीन भागों में रखा गया है, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट जो होता है उसे बोलते हैं वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। तो पर्सनल अकाउंट इसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता, नॉर्मल अकाउंट जिसे हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? ऐसे अकाउंट जिसमें विभिन्न प्रकार के कंपनी अकाउंट, फोरम अकाउंट, एजेंसी अकाउंट, इंस्टीट्यूट अकाउंट, बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकाउंट, गिवर अकाउंट, रिसीवर अकाउंट इत्यादि आते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे किसी भी कंपनी में वो सारे अकाउंट जो किसी व्यक्ति से, किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूट, फोरम या फर्म से संबंधित होंगे वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। जो भी देनदार होंगे, जो भी लेनदार होंगे, जो भी बैंक होंगे, वो सब के सब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आएंगे। दूसरा आपका है व्हाट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है? ऐसे अकाउंट जिसमें कैश, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा संपत्तियां आते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इत्यादि, रियल अकाउंट कहलाता है। यानी किसी भी कंपनी में प्रयोग होने वाले ऐसे अकाउंट जो किसी वस्तु से संबंधित होते हैं, जो किसी वस्तु से संबंधित होते हैं, उन्हें रियल अकाउंट में रखा जाता है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? इसे हम लोग बोलते हैं अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। तो ऐसे खाते या ऐसे अकाउंट जो केवल नाम मात्र के होते हैं नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, जैसे परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, ऑफिस रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैरेज अकाउंट,
वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ट्रांसपोर्ट अकाउंट, वाटर चार्ज अकाउंट इत्यादि, ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो केवल नाम मात्र के होते हैं, जो वास्तविक रूप से होते नहीं हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बिल को अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बिल कोई खाता नहीं है जिसे हम लोग देख पाते हैं, ये एक नाम होता है। अगर हमने अपने बिजली का बिल को जमा किया, अपने कंपनी के बिजली के बिल को हमने जमा किया, तो उसे इलेक्ट्रिक बिल अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाएगा। अगर हमें कहीं से भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बनाया जाएगा। अगर हमें कहीं इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो हमें इंटरेस्ट गिव अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट केवल नाम है जिसके रूप में आपको कुछ पैसा मिलेगा, या इंटरेस्ट एक नाम है जिसके एवज में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे अकाउंट जो होते हैं, जो केवल नाम मात्र के होते हैं, उन्हें नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, अकाउंट का गोल्डन रूल। इसमें सबसे ज़रूरी होता है जानना कि डेबिट क्या होता है, जिसे हम लोग DR बोलते हैं, और क्रेडिट क्या होता है। तो जैसा पता है आपको कि अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, रियल अकाउंट में कब डेबिट कब क्रेडिट, और नॉर्मल अकाउंट में कब डेबिट और कब क्रेडिट होता है। तो इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट में ऑल रिसीवर, जितने भी प्राप्तकर्ता होते हैं, वो सभी DR होते हैं, जिन्हें हम लोग डेबिट भी बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में जितने भी रिसीवर होते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ, अगर मैं किसी व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ तो अगला पर्सन जो है वो रिसीवर कहलाता है, और रिसीवर का अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है। ऐसे ही अगर हम किसी व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं तो वो व्यक्ति कहलाएगा गिवर, और उसका अकाउंट जो होगा वो होगा क्रेडिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में ऑल रिसीवर DR होते हैं, पर्सनल अकाउंट में ऑल गिवर CR होते हैं। रियल अकाउंट जो वास्तविक खाता होता है, अगर उसमें कुछ भी आता है, कम सिन होता है, तो वो DR होता है, और अगर रियल अकाउंट में कुछ भी गोज आउट जाता है तो वो CR होता है, यानी कि क्रेडिट होता है। ऐसे ही नॉर्मल अकाउंट में अगर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, तो वो डेबिट होते हैं, और अगर हमारा इनकम होता है तो वो क्रेडिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारा एक एक्सपेंस होता है, तो परचेज का अकाउंट लिखा जाता है DR। और ऐसे ही अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो हमारी कंपनी का इनकम होता है, तो जब हम सेल करते हैं और हमारी कंपनी का इनकम होता है तो सेल का अकाउंट लिखाता है CR, क्रेडिट लिखाता है। तो इस तरह से एक रूल है जो अकाउंट के लिए, या अकाउंट में डेबिट क्रेडिट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसे कहा गया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में ऑल रिसीवर DR और ऑल गिवर CR, रियल अकाउंट में कम सिन, अगर कुछ भी आ रहा है तो DR, गोज आउट CR, नॉर्मल अकाउंट में अगर खर्चे हो रहे हैं तो DR, और अगर इनकम हो रहा है तो CR। बिना गोल्डन अकाउंट रूल को समझे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करना संभव नहीं है। तो ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रा कर लीजिए और इसे आप लोग लर्न कर लीजिए। बिना इस चार्ट को समझे हम अकाउंट में किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। अब इस चार्ट का यूज़ करते हुए एक एंट्री को समझते हैं, जिसे हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन लिखा गया है जिसमें हम पे कर रहे हैं पैसा अजय को। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, एक लेन देन हो रहा है, तो उसे डेबिट और क्रेडिट ग्रुप में कैसे लिखा जाएगा, ये नीचे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट हुआ कैसे, सबसे पहले जानना जरूरी है। इसमें हम देख रहे हैं कि पे कैश, तो यहाँ पर आपको एक कैश अकाउंट दिख रहा है, एक कैश दिख रहा है, तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे अजय दिख रहा है, तो अजय को भी ऐसे हमने हाईलाइट कर लिया अंडरलाइन करके। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में सबसे ज़रूरी होता है दो शब्द खोजना जो किसी अकाउंट से संबंधित होते हैं। जैसे अकाउंट आपके 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब किसी भी ट्रांजेक्शन में दो ऐसे शब्द होंगे
जो किसी भी अकाउंट से संबंधित होंगे, जैसे कैश और अजय। तो कैश जो है ये रियल अकाउंट में आता है और अजय जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। तो रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में ऑल रिसीवर DR और पर्सनल अकाउंट में ऑल गिवर CR। इसी प्रकार पे कैश, तो पे कैश का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग अजय को कैश दे रहे हैं, अजय को कैश दे रहे हैं। तो अजय हो गया रिसीवर, पे कैश में हम लोग अजय को पैसा दे रहे हैं, तो अजय हो गया रिसीवर और रिसीवर होता है DR। तो इसीलिए यहाँ पे अजय को लिखा गया है DR और कैश को लिखा गया है CR। जो CR पक्ष होता है उसको 2 के साथ में लिखा आता है, अदरवाइज आप यहाँ पर CR और यहाँ पर DR लिख सकते हैं। टैली में सबसे ज़रूरी होता है जानना कि अगर हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो किस पक्ष को DR करेंगे और किस पक्ष को CR करेंगे। तो किसी भी लेन देन में DR पक्ष और CR पक्ष खोजने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट खोजना जो किसी भी अकाउंट से हो सकते हैं, जैसे कैश अकाउंट और अजय अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है ये आपका रियल अकाउंट से आ रहा है और अजय जो है वो पर्सनल अकाउंट से आ रहा है। पर्सनल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर अजय को पेमेंट कर रहे हैं, तो अजय रिसीवर, तो गिवर एंड रिसीवर पर्सनल अकाउंट में आते हैं और कैश जो है वो रियल अकाउंट में आता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को DR और CR के रूप में समझने के बाद नीचे जिस प्रकार से लिखा गया है इसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री, जिसमें DR को ऊपर और CR को नीचे 2 के साथ में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ट्रांजेक्शन के रूप में, परचेज गुड्स फॉर कैश, सेल गुड्स फॉर कैश, रिसीव कैश फ्रॉम अमन, पे ऑफिस रेंट फॉर कैश, रिसीव कमीशन फॉर कैश। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है ये देखना कि अकाउंट कौन कौन से भर रहे हैं। तो देखिए आपको समझने में थोड़ी आसानी हो इसलिए हम यहाँ पे हेल्प करते हैं, बाद में आप इसको खुद से कर पाएंगे। तो यहाँ पे परचेज गुड्स है तो यहाँ पे परचेज अकाउंट बनेगा जो कि आपका नॉमिनल में आता है। फिर आपका कैश अकाउंट बनेगा जो कि रियल में आता है। सेल गुड्स में सेल अकाउंट बनेगा जो कि नॉमिनल में आता है। फिर यहाँ पे आपको कैश अकाउंट मिलेगा जो कि रियल में आता है। रिसीव कैश में कैश अकाउंट बनेगा। फ्रॉम अमन में अमन अकाउंट बनेगा। इसके बाद पे ऑफिस रेंट में ऑफिस रेंट अकाउंट बनेगा जो कि नॉमिनल में आता है। पे ऑफिस रेंट में ऑफिस रेंट बनेगा जो कि नॉमिनल में आता है। और फिर कैश अकाउंट बनेगा। इसी प्रकार रिसीव कमीशन में कमीशन अकाउंट बनेगा जो कि नॉमिनल में आता है। दूसरा हमारा कैश अकाउंट बनेगा जो कि रियल में आता है। किसी भी ट्रांजेक्शन को DR और CR करने से पहले ये देखना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। परचेज आ रहा है, कैसा आ रहा है, सेल आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, अमन आ रहा है, ऑफिस रेंट आ रहा है, कैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है और कैश आ रहा है। तो इस प्रकार हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। अब नियम के हिसाब से हम देखेंगे कि परचेज जो है वो DR होगा कि CR होगा, कैश DR है कि CR है, सेल DR है कि CR है, कैश DR है कि CR है, यहाँ पर कैश DR है कि CR है, यहाँ पे अमन CR है कि DR है, ऑफिस रेंट क्या होगा, कैश क्या होगा, यहाँ पे कमीशन क्या होगा, यहाँ पे कैश क्या होगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं कि परचेज क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है। कुछ चीज़ों को अगर आप समझते हैं तो अकाउंट आपके लिए और आसान हो जाता है। जैसे परचेज अकाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम DR होता है, सेल अकाउंट CR होता है, कैश आने पर DR होता है और कैश जाने पर CR होता है। तो अगर इस बात को हम याद रखते हैं तो हमारा डेबिट और क्रेडिट करना आसान हो जाता है। तो आज हमने सीखा अकाउंट क्या होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं,
डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, कैसे किसी ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट को खोजते हैं और कैसे उसे लिखा जाता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।